हेलो क्रिकेट लवर्स, तो वेस्ट इंडीज़ वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच आज तीसरा T20 होने वाला है। जैसे कि आप जानते हो, पहले T20 में वेस्ट इंडीज़ ने पूरा डोमिनेंस दिखाया, 16 ओवर में चेस कर दिया। उसके बाद साउथ अफ्रीका ने वापसी दिखाई, दूसरे मैच में ऑल आउट कर दिया वेस्ट इंडीज़ को। तो यहाँ पर काफ़ी टक्कर की सीरीज चल रही है, तो इस मैच में क्या बदलाव कर सकते हैं और कहाँ ये मैच होने वाला है, किस टाइम होगा और क्या प्लेइंग 11 उतार सकते हैं, तो इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो भाई, ये मैच आपका ग्रेनेडा स्टेडियम में ही हो रहा है और जहाँ पर आपके पहले दो मुकाबले हुए हैं, और इस पिच पर यह बात सामने आ रही है कि यहाँ पर जो बाद में बल्लेबाजी करेंगे उसको थोड़ा मुश्किल होने वाली, क्योंकि आपको पता है सेम पिच को बार बार यूज करने से, वो यूज का यूज टू होने से, तो उस पिच पे टर्न ज्यादा होगा और यहाँ पे स्पिनर्स को फेवर मिलने के ज्यादा आसार हैं। तो यहाँ पे प्लेइंग 11 में क्या बदलाव होंगे या पहले जैसे रखने वाले, तो मैं आपको बता दूं, पहले जो टीम जान लेते हैं आपकी वेस्ट इंडीज की, तो इवान लुइस और एंड्री फ्लेचर आपके वही ओपनिंग करेंगे। उसके बाद आपके क्रिस गेल थर्ड नंबर पर आएंगे, निकोलस पूरन आएंगे, ये काफी ठीक नहीं चल रहे हैं। उसके अलावा कायरन पोलार्ड कप्तान साहब हैं। उसके बाद आंद्रे रसल, जैसन होल्डर तो भाई बेहतरीन ऑलराउंडर, ड्वेन ब्रावो, फेबियन एलन, ओबेड मैकॉय, केविन सिंक्लेयर, तो भाई इन दोनों पर निगाह रखना, काफी अच्छी परफॉर्मेंस की इन्होंने। और उसके बाद बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका की टीम की आने वाली, तो भाई लोग कह रहे हैं कि एडन माकरम को जगह मिलने वाली है, परंतु ऐसा बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। वो अपनी टीम को स्टेबल रखना चाहते हैं, लास्ट मैच में जिस टीम को लेकर जीते थे उस टीम को ही कॉन्फिडेंस के साथ उतारेंगे इस बार। तो वही आपके रेजा हेंड्रिक्स और क्विंटन डेकॉक आपके ओपनर्स होंगे, टेम्बा बमुमा जो कि साउथ अफ्रीका के कप्तान होंगे, रसे वंदर दसेन आपके जो साउथ अफ्रीका के सबसे उपरते हुए बल्लेबाज हैं, उसके अलावा डेविड मिलर, हेनरिक क्लासेन या फिर फ्लूक वायो जो कि इनके बैटिंग ऑलराउंडर है उसको मुकाबला देंगे। तो उसके अलावा आप इनके खेल सकते हैं जॉर्ज लिंडे, काफ़ी लेफ्ट आर्म स्पिनर है, कगिसो रबाडा, नोरकिया, इनकी जोड़ी तो आपको खेलते नजर आएगी, तबरे शमसी जो कि T20 में बहुत ही रफ्तार पकड़ रहे हैं, और उसके बाद लुंगी नगेडी। तो भाई आप बताइए, आपको इन दोनों में से कौन सी प्लेइंग 11 स्ट्रांग लग रही है? तो भाई इस मैच में जो फेवर रहेगा वो वेस्ट इंडीज़ के पास रहेगा, क्योंकि आपको पता है वो अनप्रडिक्टेबल टीम है और जो वो कम बैक करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से करते हैं, और अगर वेस्ट इंडीज़ की दूसरी बल्लेबाजी आज फिर से आती है तो भाई आप उनको हल्के में नहीं ले सकते। परंतु साउथ अफ्रीका की जो गेंदबाजी है उसमें रबाडा, नोरकिया और नगेडी शमसी जैसे अच्छे गेंदबाज हैं, तो भाई साउथ अफ्रीकन टीम अपने बॉलर्स को फिर से चेक करना चाहेगी। तो वेस्ट इंडीज़ तो यहाँ फील्डिंग लेगा और साउथ अफ्रीका यहाँ पे बल्लेबाजी करना पसंद करेगा। तो आप बताइए, आपको मेरा जो ये अपडेट है कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर अच्छे लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और क्रिकेट रिलेटेड वीडियो के साथ।